हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप में से कई भक्तजन ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी भगवान से कुछ मांगा होगा, कुछ अपनी इच्छा रखी होगी, कुछ कामना की होगी। वो इच्छा कुछ भी हो सकती है, चाहे वो कोई वस्तु हो और या फिर कुछ और। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। जो भी हमने भगवान से मांगा होता है, हमें वो कभी कभी प्राप्त नहीं होता। और इस दौरान ज्यादातर लोग निराश हो जाते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि भगवान ने हमारी सुनी ही नहीं और हमारी जो इच्छा है, हमारी जो प्रार्थना है, वो भगवान तक पहुंची ही नहीं। यदि आप भी ये सब बातें सोचते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्थात नारायण इस सृष्टि के पालनहर्ता हैं और वह इस सृष्टि का संचालन करते हैं। हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं और वह अपने प्रत्येक बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और उसकी हर इच्छा, हर मनोकामना को सुनते हैं। तो इसीलिए आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि भगवान आपकी इच्छा को सुनते नहीं है या फिर आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचती नहीं है। फिर बात आती है कि यदि हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुँच रही है तो फिर भगवान उसे पूरी क्यों नहीं कर रहे, भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। इस प्रश्न का एक बहुत ही सरल सा उत्तर है। दोस्तों, श्री कृष्ण तो सर्व ज्ञाता हैं, उन्हें हर चीज का ज्ञान है और वे हमें हमसे ज्यादा जानते हैं। वे सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या हमें उस वस्तु की जिसकी हमने मनोकामना की है, क्या हमें उसकी आवश्यकता सचमुच में है। और दूसरी चीज वो ये देखते हैं कि क्या हमने उतना उचित परिश्रम किया है कि हमें वो चीज प्राप्त होनी चाहिए। और यदि हमने उतना परिश्रम किया होता है तो वो वस्तु हमें निश्चित रूप से प्राप्त होती है। और दोस्तों, भगवान यह तो कहते ही है ना कि तू कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर। अर्थात आप लोग अपना कर्म करते जाइए, फल उनको देना है वो अपने आप दे देंगे। अब आप लोग खुद ही सोचिए, भगवान हमारा भला ही तो चाहेंगे, भला वे हमें जान पूछ के दुख क्यों पहुंचाना चाहेंगे। इसलिए जो वो हमारे लिए करते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए और कहना चाहिए जैसी हरी इच्छा। हमें बस अपना कर्म करना चाहिए और बाकी सब उन पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो वो हमारे लिए करेंगे वो हमारे लिए सर्वोचित होगा। कई भक्तजन तो ऐसे होते हैं जो भगवान से मंदिर में मिलने, उनसे दर्शन करने नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं की लिस्ट लेके वहाँ बैठ जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, भगवान को कैसा लगता होगा। उन्होंने सोचा होगा कि हमारे भक्तजन हमसे मिलने आए हैं, हमारे दर्शन करने आए हैं, हमारा श्रृंगार करने आए हैं, हमसे प्रेम भरी बातें करने आए हैं और हमारा आशीर्वाद लेने आए हैं। लेकिन बदले में होता क्या है, उनके भक्तजन बस उनसे अपनी इच्छाएं मांगने लग जाते हैं, उनसे कामनाएं मांगने लग जाते हैं। दोस्तों, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें बस श्री कृष्ण से प्रेम से बात करनी चाहिए, उनके प्रेम से दर्शन करने चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए। उनके लिए जो भी आप करें सब कुछ प्रेम से करें। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए, अपनी इच्छाएं उनसे मत मांगिए, क्योंकि जब उन्हें देना होगा वो अपने आप दे देंगे सही समझ के, और जब वो कुछ देंगे तो वो हमारे लिए सर्वोचित होगा। तो आइंदा जब भी आप मंदिर जाएं, उनसे कुछ मांगे ना, भले आप कुछ भी हो, उनसे कुछ मांगे ना, बल्कि आप उन्हें प्रेम से देखें, उनके दर्शन करें और उन्हें उनका आशीर्वाद लें। दोस्तों, श्री कृष्ण तो भाव के बूके हैं, उन्हें आपसे सोना चांदी नहीं चाहिए और ना ही उन्हें आपसे सोने की थाल में भोजन चाहिए। यदि आप पत्तों की थाली में भी उनके लिए प्रेम से थोड़ा भोजन बना के लेके जाएंगे तो वो उसे बड़ी शौक से और प्रेम से खाएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए भगवान के सामने अपनी इच्छाएं प्रकट ना करें और उन्हें ऐसे सोने चांदी से कोई नहीं मिलता। इसकी बजाय आप उनसे प्रेम से बात करें, उनका श्रृंगार करें, उनके लिए प्रेम से भोग बनाएं और उनकी सेवा करें। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि भगवान से इच्छा नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि जब उन्हें कुछ भी देना होगा सही समय पे वो अपने आप दे देंगे और जो वो हमको देंगे वो हमारे लिए सर्वोचित होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही था। आशा करती हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज के वीडियो में तो दोस्तों इतना ही। अभी के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।